हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, लास्ट ईयर का ROG फोन 2 वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन थी, जिसमें कि आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर दिया गया था, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई थी, 6000 mAh की बैटरी और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया था, और इसके साथ साथ ढेर सारी एसेसरीज भी। और इंडियन मार्केट में इस फोन को ROG फोन 1 के मुकाबले में आधी कीमत पर लॉन्च किया गया था, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन अब जल्द ही ASUS इसके अपडेटेड वर्जन ROG फोन 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, और इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशन को भी चाइनीज सर्टिफिकेशन एजेंसी टीना पे स्पॉट किया गया है, और इसके बेंचमार्क स्कोर्स को भी एंटीटू के द्वारा रिवील किया गया है। इसकी डिजाइन की बात करें तो इसकी डिजाइन में ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत चेंजेस है वो है इसकी हार्डवेयर में। इस बार इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, और जैसा कि ROG फोन 2 में आपको कूलिंग वेंट देखने को मिलता था वो इसमें नहीं है। इसकी थिकनेस 9.85 mm की है, और इसका वेट 240 ग्राम्स का। इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कैपेबल होगा। 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, और तीसरा इसमें टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिससे कि आपको 8x जूम का ऑप्शन मिलेगा। वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है, और टीना लिस्टिंग की माने तो इसमें आईरिस स्कैनर भी दिया गया है, लेकिन फिजिकली इसके सेंसर को अभी तक स्पॉट नहीं किया गया। और गेमर्स के लिए अच्छी बात यह है कि इसमें ना ही कोई नॉच दी गई है और ना ही कोई पंच होल कटआउट, जो कि गेमिंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं लाएगी। इसके अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.59 इंचेस की फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका की रिजोल्यूशन 2340x1080 पिक्सल्स का है। हालांकि ROG फोन 2 में भी यही डिस्प्ले साइज दी गई थी, लेकिन इस बार इसकी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की नहीं बल्कि 144 हर्ट्ज की होगी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देगी। अब वैसे तो इसमें स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट दिया गया है, लेकिन खास ROG फोन के लिए इसको CPU को 3.09 GHz पे ओवरक्लॉक किया गया है, जो कि यूजुअली 2.84 GHz पे होती है। इसका मतलब साफ है कि ये फोन फास्टेस्ट स्नैपड्रैगन 865 के साथ आएगा, और इसका असर इसके एंटीटू बेंचमार्क स्कोर पे भी देखा गया है, जिसका कि स्कोर 646,310 निकल कर आया है, और ये स्कोर अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है जो कि किसी भी स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन ने अचीव किया है। ये 8GB, 12GB और 16GB के रैम वेरियंट में आएगा, जिसकी की स्टोरेज कैपेसिटी 128GB, 256GB और 512GB की होगी। इसमें LPDDR5X कैटेगरी की रैम और अल्ट्रा फास्ट UFS 3.0 की स्टोरेज दी गई है। इसका एंटीटू बेंचमार्क में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को भी मेंशन किया गया है। वहीं बैटरी की बात करें तो इसकी रेटेड वैल्यू 5800 mAh की है, और इसकी टिपिकल वैल्यू 6000 mAh की। वैसे इसमें भी आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसका USB टाइप सी पोर्ट शेयर्ड पोर्ट विद चार्जर है, जो कि चार्जिंग पोर्ट और ऑडियो पोर्ट दोनों की तरह काम करेगा। ये ROG UI पे रन करेगा, जो कि Android 10 पे बेस्ड है, और इसमें गेमिंग के लिए ढेर सारे स्पेशल कस्टमाइज ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इस फोन को नेक्स्ट मंथ में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर ROG फोन 2 को भी जुलाई में ही लॉन्च किया गया था, और नेक्स्ट मंथ ही एक और गेमिंग फोन लीजन गेमिंग मोबाइल को लॉन्च किया जाएगा, जो कि लिनोवो का प्रोडक्ट है, और इसमें भी स्नैपड्रैगन के ओवरक्लॉक्ड वर्जन को यूज़ किया गया है। तो देखना यह है कि दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो दोस्तों, आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।